नहीं मिलती और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। मोली आजादी से जीने के बारे में इसीलिए बात कर रही थी क्योंकि पिछली रात रॉकी ने मोली को अपने आइलैंड पर आने से पहले वाली लाइफ के बारे में बताया था कि किस प्रकार वो कभी पूरी आजादी से अपनी जिंदगी जिया करता था। जिंजर ये जानकर रॉकी पर काफी गुस्सा होती है क्योंकि रॉकी ने अनजाने में मोली को अपनी कहानी सुनाकर उसे आइलैंड के बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया था। रात में जब जिंजर सो रही होती है तो वो सपने में देखती है कि मिस ट्वीडी उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रही है, जिससे डरकर जिंजर की नींद खुल जाती है। और जब वो मोली को कमरे में जाकर देखती है तो मोली अपने कमरे से गायब थी क्योंकि वो एक राफ्ट की मदद से नदी को पार करके आइलैंड से भाग गई थी। जिंजर और रॉकी ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर मोली को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद हम मोली को देखते जो डरावनी झाड़ियों को पार करके हाईवे पर आ जाती है, जहाँ पर सामने से आ रही एक ट्रक मोली को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर फ्रीजल आ जाती है जो मोली को धक्का देकर उसे बचा लेती है। फ्रीजल से बात करने पर मोली को पता